लैपटॉप लेने जा रहे हैं रुकीये जरा एक बार ये वीडियो पूरा देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है किस स्पेसिफिकेशन के साथ आपको जाना है अगर ये वीडियो आप पूरा एंड तक देख लेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हेलो फ्रेंड्स मैंने में सपने स्वास्थ्य हो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार तो फ्रेंड्स जब आप लैपटॉप लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आपको सी कौन सा लेना है मतलब प्रोसेसर आपको कौन सा लेना है तो मैं अगर आपको ऐसे एक जनरल बात करूं तो अगर आपको मान लीजिए कोई स्टूडेंट का काम है ऑनलाइन क्लासेस आप करते हैं आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर नॉर्मल बेसिक आपको म्यूज़िक सुनना है मूवीज़ देखना है इस टाइप के बेसिक आपके काम हैं तो आप एक काम कर सकते हैं आप आई थ्री प्रोसेसर के साथ चल दीजिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बट मान लीजिए आप ऑफिस का काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम का काम घर से कर रहे हैं और आप आई थ्री परफॉर्म में करेंगे तो काफ़ी दिक्कत आपको आएगी चाहे आप रैम बढ़ा लीजिए तो भी वो स्मूथनेस आपको नहीं मिलेगा उसके लिए फिर आपको आई फाइव प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए तो अगर ऑफिस इस टाइप के आपके काम हैं तो आई फाइव प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है आप उसके साथ जा सकते हैं बिल्कुल सही काम आपका हो जाएगा अब बात करते हैं हाई एंड काम की हाई एंड गेमिंग कर रहे हैं आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं इस टाइप के जब आप काम करेंगे तो आपको आई सेवन के साथ जाना चाहिए क्योंकि वहीं पे आपको परफॉर्मेंस सही मिलेगा आई फाइव भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा आई फाइव आपका काम कर सकता है बट आई सेवन जितना स्मूथ करेगा उतना आई फाइव भी नहीं करेगा तो हाई एंड अगर आपका काम है तो फिर आप आई सेवन के साथ जाइए और इससे भी ज्यादा है ना अगर आपको i9 की जरूरत है तो मेरे हिसाब से आप लैपटॉप लीजिए ही मत फिर आप डेस्कटॉप के साथ जाइए i9 सेटअप के साथ क्योंकि वहाँ परफॉर्मेंस आपको सही मिलेगा समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना लैपटॉप में आपको i7 प्रोसेसर से ऊपर नहीं जाना है उससे ज्यादा का आपको काम है तो आपको डेस्कटॉप लेना है वहीं आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा ये तो बात कर ली हम इंटेल की अब अगर ए लेना है तो सेम जो आपका ए एम डी थ्री सेम आपका आई थ्री आई जैसा ही है आप सेम काम के लिए आप ए सीरीज़ के साथ भी जा सकते हैं अब सी की ही बात कर रहे हैं इंटेल और ए की बात कर रहे हैं तो बहुत क्वेश्चन उठता है कि सर एम का प्रोसेसर ज़्यादा बेस्ट है कि इंटेल का तो देखिए इसका कोई स्पेसिफिक जवाब तो है नहीं ये डिपेंड करता है आपके पर्टिकुलर मॉडल पे पर्टिकुलर जनरेशन पे तो उसको आपको देखना कि आपके काम के हिसाब से आप जो प्रोसेसर सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्रोसेसर या उस रिक्वायरमेंट का प्रोसेसर आपका सीपीयू जो आपका है वो इंटेल ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कर रहा है या ए एम डी आप उस सबसे सेलेक्ट कीजिए हाँ आप एक चीज देखिए चाहे आप एम डी ले रहे हैं चाहे आप इंटेल ले रहे हैं आपको जो भी सी लेना है उसका लेटेस्ट जनरेशन लेना है या कोशिश कीजिए कि जितना जनरेशन आप आसपास का ले सकते हैं मतलब नेक्स्ट जनरेशन उससे पहले का जनरेशन आप ज़्यादा पीछे मत जाइए जनरेशन जितना आप लेटेस्ट लेंगे परफॉर्मेंस उतना अच्छा आपको देखने को मिलेगा अब यहाँ आपने डिसाइड कर लिया कि आपको किस सी के साथ जाना है आई थ्री आई या राइजन थ्री राइजन फाइव राइजन सेवन तो अब बात कर लेते हैं रैम की कि आपको कितना रैम की जरूरत है तो देखिए अगर आप आई थ्री के साथ जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट चार जी बी रैम की जरूरत तो है ही उससे कम में आपका काम नहीं चलेगा अगर आपका काम ऐसा है कि आपको आई फाइव प्रोसेसर लेना है तो फिर आपको वहाँ पे एट जी बी का रैम जरूरत ही है आई सेवन के साथ आपको सोलह जी बी का रैम लेना है अच्छा एक चीज़ बात करते हैं कि आपका बजट नहीं अलाउ कर रहा है कि आप आई सेवन ले पर आपको गेमिंग करना है आप आई फाइव प्रोसेसर ले रहे हैं तो फिर आप आई फाइव प्रोसेसर में सोलह जी का रैम लीजिए तो फिर वो कहीं ना कहीं आपका काम कर जाएगा नहीं तो फिर अदरवाइज आपको i7 सेवन प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए तो इतना रैम तो आपको चाहिए ही चाहिए मतलब आपको i3 के साथ चार जी बी के साथ आठ जी और i7 के साथ आपको सोलह जी बी ये रैम मस्ट है यही आप AMD के साथ भी है मतलब AMD एम डी थ्री में भी इतना ही जी आपको चाहिए ही चाहिए अब एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठता है सर जी पी ओ सर जी कौन सा लें सर जी पी लें कि नहीं लें तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका हाई एंड गेमिंग या हाई एंड वीडियो एडिटिंग के काम नहीं है तो आपको जी की जरूरत नहीं है सिर्फ जी पी वहीं पर ज़रूरत पड़ता है बाकी जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होता है उससे काम आपका अच्छे से चल जाएगा और आप प्रोसेसर चाहे आप इंटेल का ले चाहे आप एम का आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स दोनों में मिल जाता है काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं इंटेल उसको यू बोल देता है ए एम डी आप उसको रेड ऑन बोल देता है पर ग्राफिक्स आपको दोनों में मिलते हैं काफ़ी अच्छे हैं नॉर्मल सारे काम आपका आराम से हो जाएगा तो अनलेस कि आपका हाई एंड गेमिंग और वीडियो एडिटिंग का काम नहीं है आपको जी की जरूरत नहीं है आप नॉर्मल सी लीजिए आराम से आपके सारे काम हो जाएंगे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है अब बात कर लेते हैं हम स्टोरेज की तो अगर आप लैपटॉप की बात करें तो स्टोरेज में एस एस डी इज द मस्ट डेस्कटॉप में भी ज़रूरी है बट लैपटॉप में तो कंपलसरी है क्योंकि एक तो उससे आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस अच्छा होगा स्पीड काफ़ी अच्छे हो जाएगा और जब आप एस एस डी प्रीफर करेंगे तो आपका लैपटॉप बल्कि नहीं होगा क्योंकि जब लैपटॉप बल्कि हो जाता है तो वो अच्छा नहीं दिखता और वो ओवरवेट हो जाता है तो जब आप उसको रोज़ इधर से उधर लेके जाएंगे तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा तो लैपटॉप में आपको एस एस डी के साथ ही जाना है अब डिपेंड करना है कि आपका काम और बजट कितना है मतलब चाहिए तो आप टू फिफ्टी का एस ले लीजिए या फिर पाँच सौ बारह जी का एस वो आपके काम और बजट पर डिपेंड करता है पर एस तो आपको लेना ही है और अगर आपका बजट ज़्यादा है और आपका काम भी ज़्यादा है तो फिर आप एच और एस का कॉम्बिनेशन ले लीजिए तो उसमें आपको परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा और आपको स्टोरेज भी मिल जाएगा पर अगर आपका बजट नहीं है तो आपको एस के साथ ही जाना है आप फिर एक्सटर्नली उसको अपना डिवाइस को यूज़ कीजिए बट लैपटॉप में आप एस ही यूज़ कीजिए तो चलिए अब बात करते हैं हम स्क्रीन साइज की कि आपको किस स्क्रीन साइज का लैपटॉप लेना है तो देखिए कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके चॉइस पे कि आपको किस स्क्रीन साइज का लैपटॉप लेना है आप उसको अपने चॉइस से ले सकते हैं बट अगर मुझसे आप पूछे तो मेरा रिकमेंडेशन है कि जो चौदह साढ़े चौदह इंच का लैपटॉप होता है जो स्क्रीन साइज़ होता है वो बेस्ट होता है क्योंकि एक तो आपका सारा काम उसमें हो जाता है चौदह इंच के स्क्रीन में और वो बहुत ज़्यादा आपका वेट भी नहीं बढ़ाता लैपटॉप का आपको लगता होगा कि उतना बड़ा पॉइंट नहीं है लैपटॉप का वेट बट बिलीव में जब आप डेली डेली अपने लैपटॉप को इधर से उधर लेके जाएंगे तो ये जो वेट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है मतलब आप डेढ़ से पौने दो किलो से ज़्यादा का लैपटॉप मत लीजिए तो उसके लिए चौदह इंच का जो लैपटॉप है वो काफ़ी आइडियल हो जाता है एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि स्क्रीन आप फुल एच लीजिए ताकि आपका सारा काम उसमें हो सके कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए उसके अलावा जो छोटे मोटे पॉइंट हैं आपको लैपटॉप का बिल्ट क्वालिटी देखना है कि उसका बिल्ट क्वालिटी सही होना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है प्लास्टिक बिल्ट होता है आप बार 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 उसको बंद करते हैं तो वहाँ से वो क्रैक हो जाता है या टूट जाता है तो आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका बिल्ट क्वालिटी अच्छा होना चाहिए तो ये कुछ पॉइंट्स थे लैपटॉप को लेके कि जो आपको लैपटॉप लेने से पहले देखना है ताकि एक सही लैपटॉप आप सेलेक्ट कर सकें एक सही काम आपका लैपटॉप कर सके आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे तो बस यही था आज के वीडियो में अगर लैपटॉप से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक खुश रहिए मस्त रहिए रहिए टेक केयर ए फ और अगर आपको डेस्कटॉप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप तब भी उसे कमेंट कर सकते हैं या फिर मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्यूटर बाइंग गाइड्स रिलेटेड वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं सारे इंफॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएंगे तो आप डेस्कटॉप से भी रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर देख सकते हैं